हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैरीगोल्ड हैं, गेंदे के फूल काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि ये है दिसंबर मंथ, और दिसंबर मंथ में हमारे गार्डन में कौन कौन से फूल ब्लूमिंग पे हैं, और आज मैं आपसे वही शेयर करूँगी। तो ये है मैरीगोल्ड, आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड हमारे गार्डन में काफ़ी बढ़िया से खिल रहे हैं और इनमें काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं कौन कौन से फ्लावर हमारे गार्डन में इस समय ब्लूमिंग पे हैं। यहाँ पर है पिटूनिया, और पिटूनिया में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और काफ़ी कई कलर के हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इस समय नर्सरी पे पिटूनिया के फ्लावर आए हुए हैं, आप पिटूनिया प्लांट लाकर लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर उनमें आते हैं। तो ये हैं पिटूनिया के फूल, और हमारे गार्डन में ये बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग पे हैं। और मैरीगोल्ड तो आपने देखे ही हैं कि हमारे गार्डन में मैरीगोल्ड काफ़ी अच्छी तरह से ब्लूमिंग पे हैं, और ये बहुत ही बड़े बड़े फूल आ रहे हैं, और सभी को मैंने अपने गार्डन में अपने घर में ही मैंने तैयार किया हुआ है और मैंने इनको लगाया हुआ है। अभी प्लूमेरिया हमारे गार्डन में अच्छी तरह से ब्लूम हो रही है। तो ये हैं प्लूमेरिया, चंपा के फूल, काफ़ी गुच्छों में ये फ्लावरिंग करते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, जो सफ़ेद कलर के हैं। यहाँ पर एक और प्लांट है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, पर इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और देखने में फूल ये तो पिटूनिया के ही तरह लगते हैं, मैक्सिकन पिटूनिया की तरह लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर और बंच में फ्लावरिंग करते हैं। ये हमारे गार्डन में आज एक महीने के ऊपर हो गया है और इसमें फ्लावरिंग आ रही है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैं इनको भी आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इनके फूलों को देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, वाइट कलर के। और ये हैं सिलोशिया, और सिलोशिया के मैंने बीज डाले हुए थे, उनमें भी प्लांट रेडी हुए थे, तो मैंने उनको जगह जगह लगाया था। देखिए इसमें कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, ये है सिलोशिया का फूल। गोमफ्रीना अभी हमारे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहे हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये है जरबेरा, और जरबेरा के फूल इस समय सर्दियों में खिलते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैंने इनके दो फ्लावर लगाए हुए हैं, दो फ्लावर प्लांट लगाए हैं, और दोनों में ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये है रेड कलर के फूल, और यहाँ पर है ऑरेंज कलर, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप जरबेरा को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। ये है एक्जोरा, और एक्जोरा में अभी हमारे गार्डन में अच्छे फूल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें हर ब्रांच में फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं जो एक्जोरा के फूल हैं। यहाँ पर हिबिस्कस है मिनिएचर, और देखिए कितना प्यारा फूल आया हुआ है इसमें, ये भी बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं हमारे गार्डन में। बोगनवेला भी हमारे गार्डन में बहुत अच्छी तरह से ब्लूम कर रहे हैं, और दो तीन कलर के हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर है हिबिस्कस, देखिए देसी हिबिस्कस है, और इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, ये डोरमेंसी की तरफ जा रहे हैं, कुछ दिनों में इनकी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, तो मैं इन प्लांट को प्रून कर दूंगी। ये हैं देसी हिबिस्कस। यहाँ पर कुछ डेंथस हैं, और ये डेंथस मेरा कम से कम 4 साल पुराना है, और 4 साल से ये इसी तरह टब में लगा हुआ है, और इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है सीजन पे, और सीज़न के बाद जब फ्लावरिंग नहीं होती तो ये इसी तरह बने रहते हैं, और जब सीज़न आता है तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये डेंथस के प्लांट हैं, और उसके फूल काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देसी रोज़ इस समय गार्डन में काफ़ी ब्लूमिंग पे हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और देसी फूल गुलाब हमारे गार्डन में कई जगह लगे हुए हैं। तो आप देसी गुलाब अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उनके बिना गार्डन सूना रहता है। यहाँ पर है पेंटास, और पेंटास में भी काफ़ी अच्छी तरह से ब्लूमिंग हो रही है और इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं, तो पेंटास को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। यहाँ पर कुछ विनका हैं, हाइब्रिड विनका, और उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और उसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। मैं अपने विनका आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने कलर के हैं, और सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, सभी में फूल आ रहे हैं। तो हाइब्रिड विनका को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा, बड़े ही प्यारे कलर होते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। कलर आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप कौन सा कलर लगाना चाहते हैं, आप वही कलर अपने गार्डन में ला करके आप लगा सकते हैं विनका के। ये है कैलेंचो, और कैलेंचो तो विंटर प्लांट है, और देखिए विंटर में तो काफ़ी फूल हो जाते हैं हमारे गार्डन में, और इस सीज़न में फ्लावरों की कमी नहीं रहती है गार्डन में,
और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो कुछ विंटर प्लांट हैं यहाँ पर, क्रैनबेरी हिबिस्कस है जो फ्लावरिंग कर रहे हैं, थोड़ा दूर है इसलिए से कैमरे में साफ़ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये है क्रैनबेरी हिबिस्कस, इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं और ये दिसंबर मंथ में अभी हमारे गार्डन में ब्लूमिंग पे हैं। ये है बालसम, और बालसम का तो सीज़न नहीं है, बालसम के प्लांट ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसमें बीज झड़े हुए थे और प्लांट बने थे, तो कहीं कहीं ये हमारे उगे हुए हैं जिसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ये बालसम प्लांट है जो रेड कलर के हैं। आने वाले सीज़न में हम इनको फिर से ग्रो करेंगे और अपने गार्डन में इनको ऐड करेंगे। ये है डॉग फ्लावर, और ये भी सर्दियों के फूल हैं, विंटर में ये फ्लावरिंग करते हैं, तो डॉग फ्लावर आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छे फूल होते हैं उसके। और पिटूनिया तो आप लोग जानते ही हैं कि इस समय हमारे गार्डन में पिटूनिया ब्लूमिंग पे है, और पिटूनिया सभी लोगों ने लगाए होंगे, इसके फूल बहुत ही अच्छे होते हैं और कलर बड़े ही प्यारे प्यारे आते हैं, तो ये है पिटूनिया। यहाँ पर हमारा पिंक रोज़ है जो देसी है, देखिए इसमें बहुत ही अच्छे तरह से फ्लावर आ रहे हैं, और देसी रोज़ रेड वाले जिस तरह होते हैं उसी तरह ये पिंक है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये है कैना लिली येलो कलर की, देखिए इसमें बड बन रहे हैं, ये भी फ्लावरिंग के लिए रेडी हैं। इसमें कई स्टॉक आई और आकर चली गई, अब इसमें फिर से बड बन रहे हैं, तो कैना लिली को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, बहुत ही अच्छे फूल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे दिसंबर मंथ में हमारे गार्डन में खिलने वाले कुछ फ्लावर, और आप बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।